हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेन। मेरा चैनल देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। दान क्या होता है? दान का महत्व क्या है? दान एक ऐसा कार्य है जिसके जरिए हम जीवन की तमाम समस्याओं से भी बाहर निकल सकते हैं। आयु, रक्षा और सेहत के लिए तो दान को अचूक माना जाता है। जीवन की तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए दान का विशेष महत्व है। और ज्योतिष शास्त्र और धार्मिकता को लेकर चले तो दान के कई अलग अलग प्रकार है और उनके अलग अलग प्रभाव भी है। लेकिन मैं आज आपसे जिस दान की बात करने जा रहा हूं उसे एक सरल और सहज भाषा में अबोध दान कह सकते हैं, जो एक ना दिखने वाला लेन देन का व्यवहार है। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूंगा। जिस तरह हम हमारे जीवन में जीवन निर्वाह के लिए पैसे देकर हमारी जरूरत की चीजें खरीदते हैं, उसी तरह काम करती है हमारी भावना। हम जब किसी भी व्यक्ति को व्यवहार, वाणी या शारीरिक पीड़ा देते हैं तो हमें भी वही पीड़ा से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जब हम किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो उसके मन में भी वही पीड़ा का भाव उत्पन्न करते हैं, तो वह भी हमें यही देगा जो हमने दिया है। और मेरा मानना है और मेरा कहना है कि सबसे बड़ी पीड़ा मन की पीड़ा होती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि दान एक ऐसा ना दिखने वाला व्यवहार, पुण्य का काम है जो हमारी सारी पीड़ा और तकलीफ को हमारी खुशी और मुस्कान में बदल देता है। क्योंकि हर जीव में एक भाव होता है। आप अगर किसी को जानते हो या नहीं, फिर भी आप उसकी मदद बिना स्वार्थ के करते हो तो उसके दिल में आपके लिए अच्छे भाव पैदा होंगे, आपके लिए दुआ होगी। बिल्कुल वैसे ही होता है दान। आप जब आपकी मेहनत की कमाई से 10% कमाई के हिस्से से किसी प्राणी पक्षी को खिलाते हो, या किसी व्यक्ति को जो मुसीबत में है, जो बहुत मेहनत करके भी पूरे दिन में 100 रुपये भी कमाने भारी पड़ जाए, ऐसे व्यक्ति से आप भावताल ना करते हुए कुछ भी चीज खरीद ले, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो कोई फेरिया हो, या चाहे कोई ऑटो रिक्शा वाला, क्योंकि हमारा भाव ही हमारा प्रतिबिंब है। जो कुछ भी करो उसे बिना स्वार्थ, पूर्ण शुद्ध भाव से करो। जैसे कि रास्ते पे कोई पड़ा हो जिसे बहुत ही भूख लगी हो, अगर अचानक से आप उसे ऐसा खाना खिलाते हो जैसा उसने पिछले कई दिनों से खाया ना हो, तब उस भूखे व्यक्ति को आपके लिए कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। उसको जो खाना मिला है उसकी तृप्ति से उसके मन के भाव अपने आप ही आपके लिए दुआ मांगेंगे। क्योंकि किसी का भी शब्दों से आशीर्वाद देना और मन के भाव से आशीर्वाद देना, दोनों में बहुत फर्क होता है। शब्दों से आशीर्वाद तब मिलते हैं जब हमने कुछ अच्छा काम किया हो, लेकिन मन से हमें जब आशीर्वाद मिलते हैं वो भाव से मिलते हैं। भले ही वो हमें दिखाई न दे, सुनाई न दे, पर उसमें बहुत पावर होती है, बहुत ताकत होती है, हमारे सारे लॉक खोल देता है, हमारे सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं। इसीलिए दान हमारे जीवन में एक बहुत ही अहम, हमारे काम को सरल और सफल बनाने के लिए हमें एक सरल और सहज मार्ग देता है। तो दोस्तों, दान जरूर करें पर मन के शुद्ध भाव से, क्योंकि पानी जितना शुद्ध रहेगा उतनी ही गहराई तक आप देख पाओगे, और पानी जितना दूषित रहेगा आप गहराई तक
कुछ नहीं देख पाओगे। तो दोस्तों, आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। धन्यवाद।